अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? अगर हमने आप में से खून निकाला, आपके हाथ में से निकाला, आपके आप में से निकाला, तो उस खून का टेस्ट करेंगे हम, तो उसमें डीएनए एक ही मिलेगा। और वो किसी से डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। ये बब्बर शेर की पार्टी है, इसमें शेरनियां भी है, इसमें शेरनियां भी हैं, मगर बब्बर शेर भी हैं, और ये किसी से डरते नहीं है, मैंने देखा है। हम अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं, और ये हमारा तरीका है। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुराना ले। पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा, मतलब सोचते हैं कि अडानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। आपने देखा होगा कल दो फाइनेंशियल, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी, शर्म की बात है। कहानी में लिखा था 1 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, पूरा देश समझ रहा है। सिस्टम बहुत आसान, बहुत सिंपल है, पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापस आता है, और उसी पैसे से अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट, अब यहां पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके धारावी में तमाशा करेंगे। देखिए, मतलब इनको धारावी क्या है, धारावी के लोग कैसे हैं, इनको ये अभी तक समझ नहीं आई बात। ये थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी इनको समझा देगी कि धारावी है क्या, जो सच्चा हिंदुस्तान है, जो जमीन का हिंदुस्तान है, जो गरीबों का हिंदुस्तान है, ये सोचते हैं उसको मिटाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता, गलत फहमी में है। थोड़ी सी मैं आपकी भी बात करना चाहता हूं।
लोग कहते हैं, मीडिया में कहते थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी की पिटाई किसने की? उनको वहां साफ किसने किया? यहां पे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है? हमारी पार्टी तो नहीं टूटी ना। हाँ क्यों? क्योंकि देखो आप विचारधारा की पार्टी हो, आप, मैं आपको बताता, आप विचारधारा की पार्टी हो। विचारधारा की पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फर्क होता है? अगर हमने आप में से खून निकाला, आपके हाथ में से निकाला, आपके आप में से निकाला, तो उस खून का टेस्ट करेंगे हम तो उसमें डीएनए एक ही मिलेगा, और वो किसी से डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। उसको दो तीन लाठी मारो वो कहता है भैया और मारो मुझे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, और ये आप चाहो ना चाहो ये आपका खून है। वही ये बब्बर शेर की पार्टी है, इसमें शेरनिया भी है, इसमें शेरनिया भी हैं, मगर बब्बर शेर भी हैं, और ये किसी से डरते नहीं है। मैंने देखा है ये डर किसको लगता है, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है, चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करें, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है, और जीतेगी क्यों? ठीक है, सीनियर नेताओं की जगह होती है तो आप जानते हो, होती है ना, मगर हमारी पार्टी को हमारा कार्यकर्ता जिताता है। और अगर इस पार्टी में एक कमी है जिसको सही करना है, तो जो कार्यकर्ता हमारे लिए खून पसीना देता है उसको सबसे पहले रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे बीच में जो रिश्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, मैं हूं, खारगे जी हैं, हमारा रिश्ता दूसरा है, बीजेपी का रिश्ता दूसरा है, आरएसएस का रिश्ता दूसरा है। हमारा जो रिश्ता है प्यार का, मोहब्बत का, पारिवारिक रिश्ता है, और हम नफरत के साथ, हिंसा के साथ काम नहीं करते हैं। हम अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए
मौका मिल जाए एक सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आप देखना पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे, मतलब उनको उनको जिंदगी जीना नहीं आता, वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आपने आप में से 100-200 लोग थे, मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे, मैंने पूछा, 110-120 लोग थे, एक लड़के ने हाथ उठाया, मैंने कहा अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया, कहता है हां, मैंने कहा क्यों, पापा और मां, मेरे पापा और मां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे, सारे हाथ उठा देंगे, कहे सब भागे, फिर पूछना भैया वापस कितने गए, एक हाथ नहीं उठाएगा, क्यों, क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है, हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उनके दिल में नफरत है, बड़ी मुसीबत है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, अब अगर नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या, सवाल नहीं उठता, मैं मतलब 100 साल लगा दूं अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हैं और मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी, मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी, सही बात है ना, तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है, उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना, मतलब हमारे हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है, यह आपका काम है, प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे यहां आया, मौका मिला है बात करने का, बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मैं मां से प्रियंका से बात करता हूं वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूं, परिवार से बात कर रहा हूं, और आप लोगों के बिना, मैं बता देता हूं, आप लोगों के बिना ये पार्टी नहीं चल सकती, आपके ड्रामे भी होते हैं वो भी मैं जानता हूं, हर परिवार में कोई रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ड्रामा कर लेता है, वो हमारा सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है, मगर चुनाव के समय मिलकर काम करना है, ठीक है, और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है, ये कांग्रेस पार्टी का, जब मैं भारत छोड़ो यात्रा में चला मुझे बात समझ आ गई, जैसे जो एटम होता है ना उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना
न्यूक्लियस, सुना आप न्यूक्लियस, ये महाराष्ट्र जो है कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है, यहां से शुरू हुई है। तो अगर इसको मजबूत बनाना है तो ये यहीं से होगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।